नमस्कार, स्वागत है आपका फिवाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। तो आइए, इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हैं। अपन कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे? अश्क जी द्वारा रचित एकांकी का अध्ययन इस क्लास में कर रहे थे। और उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित कौन सा एकांकी? नया पुराना। ये एकांकी इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे। यहां पर अपन देख रहे थे कि किस प्रकार देवचंद व प्रतिमा आपस में बात कर रहे हैं। देवचंद की पत्नी है प्रतिमा, और किस विषय पर बात हो रही है? विषय पर बात हो रही है रानी हार लेने के विषय पर। और रानी हार किसके पास है? रविदत्त की पत्नी भाभी के पास है। रविदत्त अभी बाहर जा चुका है, वो अपने मरीजों को देखने के लिए बाहर चला गया है। पीछे से देवचंद बहुत ही उदास होता है, न नहाया है, न धोया है, न नाश्ता किया है, उसने कुछ भी नहीं किया। तो प्रतिमा उसको कहती है, देखिए प्रतिमा और देवचंद के बीच जैसे बातें होती है, वैसे यूं लग रहा है कि प्रतिमा भी देवचंद से थोड़ी सी नाराज है। और कहीं ना कहीं लिली के माँ के गहने रखने पर वो खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो यहां पर प्रतिमा कहती भी है कि तुम पर इतना विश्वास करके और उसने गहने रख कैसे दिए? एक महिला सर्वस्व समर्पण बिना किसी आधार पर कैसे कर देती है? अर्थात 50 और 60 हजार के गहने और एकदम से तुम्हारे पास रखेगी, कारण क्या है? तो देवचंद यूं कहता है कि कोई कारण नहीं है ऐसा, बस मैं एक शिक्षक हूं और मैंने 12 वर्षों में विश्वास कमाया है, और उसी विश्वास की कमाई के आधार पर और लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, और इसीलिए लिली की मां ने मुझ पर विश्वास करते हुए इतने महंगे गहने, या फिर यूं कहें कि इतनी बड़ी संपत्ति मेरे पास अमानत के रूप में रख दी है। और यहां पर देवचंद प्रतिमा को समझाता भी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और साथ साथ मैं ये गहने वापस लौटाना चाहता हूं। हालांकि प्रतिमा पहले रवि का पक्ष लेती है, हो सकता है ये पक्ष लेना नहीं चाहती हो, ये देवचंद से चिढ़कर और इस प्रकार की बातें कर रही हो। ये कहती है कि जब तुम्हारे कब्जे में है तो तुम देने को क्यों उतावले हो रहे हो, काम में लो उनको। परंतु देवचंद उसे झिड़क कर मना कर देता है, उसे जोर से डांट कर फटकार कर उसे मना कर देता है कि तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो, तुम इतने सालों तक मेरे साथ रही और उसके बाद भी तुम इस प्रकार की बातें कर रही हो। तो ये दोनों के बीच में बातें होती है, और उसके बाद देवचंद प्रतिमा से यूं कहता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी है तो इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी सहायता करो। किस लिए सहायता करो? रानी हार लेने के लिए सहायता करो। भाभी से किसी तरह तरीके से अपने को रानी हार निकलवाना है, रवि तो देने वाला है नहीं। अब रवि देने वाला नहीं है तो अपने को कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, अपने को रानी हार लेना पड़ेगा, और लेकर के मैं आज ही ये सारे के सारे गहने वापस कर दूंगा। जब देवचंद इस प्रकार की बातें करता है और दोनों के बीच में इससे संबंधित, यानी रानी हार लेने से संबंधित योजना बनाई जा रही है, उस समय प्रतिमा एक बार की तो मानती भी नहीं है। प्रतिमा क्या करती है? प्रतिमा हंसती है, ठहाका मारकर हंसती है, और ठहाका मारकर हंसकर यूं कहती है, हाँ अच्छी बात है, मुझे काम में ले लो, अर्थात मेरी वजह से, मेरी सहायता लेकर आप रानी हार निकलवा लो और फिर गहने वैसे के वैसे आप अपने पास रख लोगे, कुछ भी नहीं लौटाओगे आप। तो देवचंद यूं कहता है कि प्रतिमा मेरा विश्वास करो। वो यूं कह रहा है कि मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बस आज रानी हार आ जाए, उसके बाद मैं सारे के सारे गहने लौटा दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, बस तुम इसमें मेरी सहायता कर दो। इसके लिए देवचंद अनेक प्रकार की बातें कहता है। वो यूं कहता है कि आज ही मैं सारे गहने लौटा दूंगा, मुझे मतलब ही नहीं है लिली की माँ से, कोई कहीं भी जाए, यहां तक कि मैं लिली की माँ से बात करना भी बंद कर दूंगा। अरे लिली की माँ को छोड़ो, मैं लिली को भी स्कूल से निकाल दूंगा, उसका नाम निकाल दूंगा, अर्थात तो उसे स्कूल से ही हटा दूंगा, मैं उन लोगों से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं रहूंगा। लिली की माँ ने देवचंद के पास गहने क्यों रखे थे? ताकि लिली का विवाह अच्छे से हो सके। तो देवचंद यूं कहते हैं कि मेरे भले, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे भले चाहे वो लड़की किसी अयोग्य के हाथ में चली जाए, लिली की मां
उन गहनों को बचाकर रख पाए नहीं रख पाए, उसका पति चाहे बेच खाए, कुछ भी हो जाए, लिली का विवाह हो नहीं हो मुझे मतलब ही नहीं है। बस मैं आज के आज ये गहने वापस करना चाहता हूं और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि आज के आज मैं उनसे सारे के सारे रिश्ते भी खत्म कर दूंगा, उनके गहने भी लौटा दूंगा, बस तुम आज मेरी सहायता कर दो। और फिर प्रतिमा जब ठाका मारकर हंसती है कि तुम मुझे बुलाओ ना दे रहे हो, तब देवचंद प्रतिमा से कहता है कि मेरा विश्वास करो, आज आज मेरा विश्वास कर लो। और इस प्रकार से वो भर्राए हुए स्वर में इस प्रकार की बात कर रहा है। और जब भर्राए हुए स्वर में, भर्राए हुए स्वर का मतलब है कि उसका गला भर आता है, वो बहुत दुखी है। और जैसे ही उसका गला भर आता है और वो इस प्रकार की बातें प्रतिमा से कहता है, तो प्रतिमा देवचंद का विश्वास करने लग जाती है। और इसी बीच वो ये भी बताती है कि देखो मैं आपके बारे में भला सोच रही हूं, मान लो ये गहने इधर उधर हो जाए, चोरी हो जाए, ये अपनों ने पिछली क्लास में देखा था कि फिर आप पर तो इल्जाम आएगा, यानी समाज किससे जवाब मांगेगा, आपसे जवाब मांगेगा, तो आप पर वो इल्जाम लगाए जाएंगे जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचे। तो प्रतिमा इस प्रकार से समझाती हुई कहती है कि मैं तो आपके बारे में अच्छा सोचकर और इस प्रकार की बातें कह रही थी। इस प्रकार से दोनों के बीच में बातें होती है और फिर देवचंद यूं कहते हैं कि तुम मेरी सहायता करो। तो प्रतिमा कहती है कि पहले तो खड़े हो, नहाओ दो और नाश्ता करो, उसके बाद मैं सोचती हूं। वो हाँ नहीं करती परंतु यूं कहती है कि सोचती हूं, पर उसका जो स्वर है उसमें थोड़ी नरमी थी और उससे देवचंद ने अंदाजा लगाया कि ये मेरी सहायता करेगी। ठीक है, तो प्रतिमा यूं कहती है कि अब नहाओ दो, नाश्ता करो और उसके बाद मैं सोचती हूं। और तो देवचंद यूं कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप कर लूंगा, बस मुझे आज यही चिंता है। तो प्रतिमा यूं कह रही है कि एक ये भी तो सोचो, हम दरबार साहब के यहाँ मेला लगा हुआ है, एक मेले का आयोजन किया गया है, तो कि मैं और भाभी दोनों मेले में जा रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसलिए आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ और आपको भी स्कूल जाना है, तो हम मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो आप जल्दी करो, आप खड़े होकर तैयार हो। जैसे ही देवचंद को ये बात कही जाती है तो देवचंद के दिमाग की बत्ती एकदम से जलती है और देवचंद यूं कहता है कि मेले में जा रहे हो तो अच्छी है, अच्छा है, मतलब अब मुझे योजना मिल गई। अब वो यूं कहता है कि अब मेरे दिमाग में एक योजना आ गई, उस योजना के तहत अपने को चलना है। कौन सी योजना? देवचंद फिर प्रतिमा को अपनी योजना बताता है। देवचंद प्रतिमा को कहता है कि बैठो, मैं तुम्हें एक योजना बता रहा हूं। कौन सी योजना? वो प्रतिमा को कहता है, इस बारे में थोड़ी बहुत अपनी पिछली क्लास में बात हो चुकी थी, फिर से मैं अच्छे से करवा रही हूं। प्रतिमा से यूं कहता है कि देखो भाभी जो है वो गहनों की बड़ी शौकीन है, बहुत ही शौकीन है, और जाहिर सी बात है कुछ नया विवाह हुआ है तो उसे सजने संवरने का वैसे भी शौक है। तो देवचंद यूं कहता है कि भाभी गहनों की बड़ी शौकीन है और आप लोग मेले में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है भाभी पूरी तैयार होगी, वो पूरे अच्छे से सजेगी संवरेगी, तो क्यों ना हम आज ही इसका फायदा उठाएं। कैसे? कि भाभी को तैयार होने दो, अच्छे से तैयार होने दो, और जैसे वो तैयार होकर बाहर आ जाए तब आप उससे रानी हार उतरवा कर इस अलमारी में रख देना, उसके बाद मैं सोच लूंगा, मैं देख लूंगा। इस प्रकार से दोनों में बात होती है, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा अपनी पिछली बार हो चुकी थी पिछली क्लास में। तो देवचंद प्रतिमा को अपनी योजना के बारे में बताता है, दोनों बात करते हैं और प्रतिमा यूं कहती है कि क्या ये संभव है, क्या ऐसा हो जाएगा? तो देवचंद कहता है कि हाँ हो जाएगा, भाभी रानी हार पहने बगैर तो जाएगी नहीं, क्योंकि सबसे सुंदर हार ही उसके पास वो है, वो पहन कर बाहर आएगी, तुम इस अलमारी में रखवा लेना, चाहे कैसे भी बहाने करके तुम ऐसे कह देना कि मेले में जा रही हो, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर कोई नहीं देखेगा, परंतु चोरों का डर तो जरूर है, यदि किसी चोर ने झपट लिया तो हाथ मलती रह जाओगी। अब इस प्रकार से देवचंद प्रतिमा को सिखा रहा है कि किस प्रकार से अपनी योजना को अंजाम देना है। देवचंद यूं कहता है तो प्रतिमा कहती है ठीक है, मैं ये प्रयास भी करके देख लेती हूँ। तो फिर देवचंद प्रसन्न हो जाता है और प्रतिमा यूं कहती है कि ठीक है तो मैं चलती हूँ। तो देवचंद कहता है कि हाँ जाओ जाओ।
तुम भी जल्दी से साड़ी बदल लो। तो प्रतिमा यूं कहती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है आज, तुम्हें हो क्या गया है, तुम्हें आज इस योजना के अलावा कुछ नहीं दिखता, मैंने अभी साड़ी बदली है, अभी तो बदल कर आई हूं। तो देवचंद कहता है कि ये मतलब उसे ऐसी साड़ी नहीं लगी जो बाहर पहनकर जानी चाहिए, किसी मेले में पहनकर जानी चाहिए, क्योंकि जब भाभी बहुत अधिक तैयार हो रही है तो इसका मतलब ये है कि मेले में जाने के लिए लोग तैयार होते हैं। तो देवचंद प्रतिमा ने बिल्कुल सादी सी साधारण सी साड़ी पहन रखी है, तो देवचंद उसे कहता है इसी में। तो प्रतिमा कहती है कि हाँ ठीक है, परंतु मुझे मुझे ज्यादा तैयार नहीं होना, मैं ऐसे ही ठीक हूं, मुझे भाभी की तरह तैयार होकर कहीं भी नहीं जाना। तो प्रतिमा यूं कहती है तो देवचंद कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो ठीक हो, परंतु अब तुम जल्दी से अंदर जाओ। जैसे ही इन दोनों के बीच में बात हो रही है उस समय नौकरानी आ जाती है, और बाहर से आवाज लगाती है कि साहब चाबियां दीजिए, स्कूल खोलना है। पहले भी प्रतिमा देवचंद को कह चुकी है कि नौकरानी को यानी माई को, अब नौकरानी को माई भी बोलते हैं, शायद ये बड़ी उम्र की है, प्रौढ़ावस्था में है, तो इसलिए ये दोनों इसे माई बुलाते हैं। तो कहते हैं कि माई को बुलाकर उनको चाबियां दे दो ताकि वो स्कूल तो खोल दे, आप बाद में चले जाना। तो फिर यहाँ पर वो माई आ जाती है, आके ही आते ही वो चाबियां मांगती है कि साहब चाबियां दीजिए, स्कूल खोलना है। तो देवचंद उसे अंदर बुलाता है कि तुम जल्दी से अंदर आओ, और वो उसे यूं कहता है कि तुम स्कूल जाने से पहले लिली की माँ के पास जाओ, लिली की माँ के पास जाओ और उसको बुला कर लाओ, और यूं कहता ना, यूं कह देना कि तुरंत बुलाया है, अभी आपको आना है। अब नौकरानी यूं कहती है कि ठीक है। वो माई वहीं से मुड़कर और जाने वाली होती है, देवचंद फिर उसे रोकते हुए कहते हैं कि रुको, तो वो रुकती है, तो उसकी तरफ पैसे फेंकते हुए, पैसे उसे उसे देते हुए और यूं बोलता है कि जाओ जल्दी से और तांगे में ले आना, अर्थात पैदल जाओगे पैदल आओगे उसमें समय लगेगा, आप ऐसे करना तांगे में लेकर आओ उसे। तो माई या नौकरानी यूं कहती है कि तांगे में लाने की कहां जरूरत है, यही पास में ही तो घर है, परंतु देवचंद उसे मना कर देता है। देवचंद के हृदय में आज उथल पुथल चल रही है, वो जल्दी से काम समाप्त करना चाह रहा है, तो इसलिए वो माई को समझाता है कि नहीं माई आप जल्दी से जाओ और जल्दी से उसे लेकर आओ, क्योंकि उसे आज बहुत बड़ा काम करना है। ठीक है, तो यहां पर और फिर वो ये भी कहता है कि उसके बाद चाबियां ले जाओ, स्कूल जाना, उनको तो यहां भेज देना माई को, और स्कूल जाना, और स्कूल में जो भी स्टाफ है, मैडम है, लेडीज स्टाफ है या जेंट्स स्टाफ है, उनको आप यूं बोलना कि मैं दोपहर तक पहुंचूंगा ऑफिस में या स्कूल में, मैं दोपहर तक आऊंगा, वो लोग संभाल लेंगे, तो तुम ये काम कर दो। अब माई यहां से निकल जाती है और प्रतिमा भी फिर अंदर जाती है, थोड़ा बहुत काम देखती है और थोड़ी बहुत तैयार होके और फिर आती है। देवचंद प्रतिमा के अंदर जाते ही और इधर उधर घूमने लगता है, और फिर दरवाजे से बाहर निकलता है, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलता है तो उसे याद आता है कि अलमारी का ताला तो खुला ही नहीं, यानी अलमारी की चाबियां उसके पास है, वो ताला खोलकर छोड़ेगा तभी तो भाभी वहां पे रखेगी, अगर उसको वहां पर ताला देख लेगी तो वो सोचेगी कि यहां भी ताला है वहां भी ताला है, इससे अच्छा वही रख दूं। तो ये ना हो जाए कि वो रानी हार अंदर ले जाकर अपने जो ट्रंक है उनमें रख दे, तो इसलिए देवचंद जल्दी से अंदर वापस आता है और यूं सोचता है कि ताला तो खुला नहीं, और वो जल्दी से ताला खोलता है, और ताले को खोलकर चाबी ताले में लगी हुई छोड़कर और फिर बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये दृश्य समाप्त होता है, यानी देवचंद कहां है, अपने ही घर के जिस कमरे में एकांकी दर्शाया जा रहा है उस कमरे से बाहर है, अपने घर में है परंतु उस कमरे से बाहर है। प्रतिमा घर के अंदर है, भाभी तैयार हो रही है और नौकरानी या माई है वो लिली की माँ को बुलाने गई है। अब इस प्रकार की
परिस्थितियां बनी हुई है, और जिस कमरे में एकांकी को दर्शाया जा रहा है अब इस कमरे में कोई नहीं है। थोड़ी देर बाद ही प्रतिमा और भाभी दोनों इस कमरे में आती है। एकांकीकार बाहर नहीं जाएगा, मैंने एकांकी शुरू किया था उसी समय आपको बताया था कि एकांकी इस कमरे में शुरू हुआ है तो इसी कमरे में समाप्त भी होगा। लोग यहां आएंगे जाएंगे परंतु एकांकीकार इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भाभी और प्रतिमा दोनों प्रवेश करती है। भाभी एक गोल मटोल यानी मोटी सी महिला है, सुंदर है, गोरा रंग है और प्रसन्न चित्त, या फिर यूं माने कि हंसमुख सी लग रही है, और उसका चेहरा यदि देखें तो गहनों और सजने संवरने से मोहब्बत, वैसे तो मोहब्बत होता है परंतु इस एकांकी में लेखक ने मोहब्बत लिखा है, तो उसके चेहरे को देखने से ही ये पता चल जाता है कि वो गहनों से और सजने संवरने से बहुत मोहब्बत करती है, अर्थात उसे सजना संवरना गहने इत्यादि चीजें बहुत अधिक पसंद है। और अब ये जो आई है तो ये चटक रंग के कपड़े पहने हुए हैं, साड़ी में ये आई है और खूब तैयार हुई हुई है, अच्छे से तैयार होकर और अब ये मेले में जाने के लिए तैयार है। गहने भी पूरे पहने हुए हैं, जितने उसके पास गहने हैं, क्योंकि उसके चेहरे से दिखाई दे रहा है कि उसको गहने बहुत ज्यादा पसंद है, तो जाहिर सी बात है मेले में जा रही है, बाहर जा रही है, तो वो अपने गहने दिखाने के लिए पहनकर जाएगी। पूरे गहने पहने हुए, चटक रंग के कपड़े पहने हुए और वो इस कमरे में आई है। प्रतिमा बिल्कुल सादे कपड़े पहन रखे हैं और साधारण सी साड़ी में आई है। दोनों आ जाती है, प्रतिमा जैसे भाभी की तरफ देखती नहीं है, वो एकदम से बैठते हुए और यूं कहती है, ओहो मैंने तो बाल भी नहीं बनाए, जल्दी से बाल बना लेती हूँ उसके बाद चलते हैं। और प्रतिमा है वो जल्दी से अपने बाल खोलती है, बाल बनाने लगती है, बाल बनाती है जल्दी जल्दी और फिर यूं कहती है कि ओहो कमरे में कितनी अव्यवस्था है। और एकांकी जब शुरू किया था उस समय भी मैंने आपको बताया था कि एकांकी में ये जो कमरा है वो बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से है, कहीं पर सिगड़ी पड़ी है, सिगड़ी का जो सामान होता है लकड़ियां आदि वो भी अस्त व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा है, कपड़े भी जमीन तक पड़े हैं, जमीन पर ही बिखरे पड़े हैं, अर्थात कमरे की स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। तो प्रतिमा यूं कहती है कि कमरे का क्या हाल है देखो, और रवि जी यानी वैद्य जी तो अभी चले गए, अर्थात अब कोई बिखेरने वाला नहीं है, और इनको यानी देवचंद को, और देवचंद को अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रतिमा यूं कहती है कि मैं जरा ये सामान ठीक कर देती हूँ। वो खड़ी होती है बाल बनाकर, एक जगह पर बैठकर बाल बनाती है, उसके बाद खड़ी होती है और ये सामान व्यवस्थित करने लगती है, और व्यवस्थित करते करते वो भाभी की तरफ देखती है, क्या बोलती है वो देखेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।